वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का भारत ऑन सेट लोकेशन एपिसोड में फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेल फ्रेंड्स, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि कुछ पैच वर्क बचा है भारत फिल्म का दिल्ली में। अब क्या अली अब्बास जफर उसे पूरा करते हैं नहीं करते हैं, या फिर स्टॉक फुटेज यूज करेंगे, तो कल ही पता चलेगा। लेकिन गाइज, द टीम इज ऑन अ रन, वो लोग एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। सलमान खान कल जब मुंबई के रवाना हुए, आज सुबह सुबह 6:30 बजे पूरी की पूरी यूनिट जामा मस्जिद पे दिखाई दी। यू नो, हुडीज, क्रूज, यू नो, गोप्रोज और हैंड कैमराज लेके पूरा का पूरा यूनिट वहां पहुंच चुका था। वेल फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। वेल फ्रेंड्स, ये जो रहता है वो रहते हैं स्टॉक फुटेजेस। यू नो, भारत जो कि एक पीरियड ड्रामा है, वो दर्शाएगी किस तरह से यू नो एक इंसान की जर्नी इंडिपेंडेंस से लेकर उसके यू नो अंत तक, यानी कि इस फिल्म के अंत तक जाएगी। वहां पर बीच में जो यू नो स्वाइप सीन्स रहते हैं, जहां पर दिल्ली के टॉप शॉट्स, उसके फेमस लोकेशन, चाहे वो जामा मस्जिद ले लो, लाल किला ले लो, या फिर इवन पार्लियामेंट हाउस ले लो, वो दिखाए जाएंगे। उसी की शूटिंग चल रही थी आज भारत की, यानी कोई स्टार्स मौजूद नहीं थे वहां पर। बस टीम अपने जो लोकेशंस है, यानी कि हिस्टोरिकल लोकेशंस जो कि स्वाइप फुटेजेस में काम आएगी, वो शूट कर रही थी। पहला लोकेशन था जामा मस्जिद, लोगों को पता चल गया भारत की शूटिंग थी, लेकिन ऑब्वियस सलमान खान नहीं है। जब पता चला तो लोगों ने भी उनको अपना काम करने दिया। वेल फ्रेंड्स, एक स्कूल में भी वापस जाके शूट किए गए हैं कुछ पोर्शंस विद सम पंजाबी बॉयज। अब ये क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा। लेट्स सी हाउ इट फिगर्स आउट। एंड गाइस, जामा मस्जिद के जितने भी स्टॉक फुटेजेस है, 3 यूनिट बनाई गई थी। पहली यूनिट जामा मस्जिद के सामने वाली बिल्डिंग में थी, दूसरी पार्लियामेंट हाउस गई थी, और तीसरी जामा मस्जिद के एग्जैक्ट बाहर खड़ी थी टू टेक सम यू नो क्लोजअप शॉट्स ऑफ जामा मस्जिद। वेल फ्रेंड्स, ये एक घर था जो कि यूटिलाइज किया गया था शूट के लिए। अब ये घर वही घर है जिसको आप लोगों ने बजरंगी भाईजान में देखा था। यस फ्रेंड, भाई करीना कपूर का जो घर था बजरंगी भाईजान फिल्म में, जहाँ पर यू नो मुन्नी को रखा जाता है, वहाँ पर देख सकते हो लाइटनिंग लगाई गई है यहाँ पर, और अंदर आज इस घर में शूटिंग चल रही थी विद सम कैरेक्टर आर्टिस्ट। अब वो क्या है, ये तो बंद दीवारों पीछे पता है, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन गाइस, अली अब्बास जफर देख सकते हो ऑन टेरेस नंबर 1 टू शूट द सीक्वेंसेस एट जामा मस्जिद इन दिल्ली। शूटिंग भी आते दिखाई दे सकते हैं। और गाइस, दूसरा जो क्रू था वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट हाउस यू नो वहां पर है, वहां पर शूट करते हुए दिखाया गया है। इंडिया गेट के भी बहुत सारे शूट्स लिए गए। सो गाइज, आज का एपिसोड काफी रॉ रहेगा, मैं आपको बस एक आइडिया देना चाहता हूँ, फोटो पे आ रहा हूँ मैं। सो गाइज, अब जो फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गाइज भारत का शूट बहुत बाकी है। जो लोग बोल रहे 65, 70, 75, किसी को एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं कितना है। अभी ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अगला एक स्केड्यूल अमृतसर में भी रखा जाएगा, उसके बाद मुंबई का स्केड्यूल है, उसके बाद यू नो लंडन का स्केड्यूल है, तो 3-4 स्केड्यूल्स और बाकी है इस फिल्म के। इट्स अ बिग मूवी, इतने जल्दी शूट खत्म होकर नहीं होगा। एंड आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको घर का एक सेट दिखाया था दिल्ली में, उस पर काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो किराने की दुकान जो है, वहाँ पे उसके जो स्केचेस बनाए जा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, आज एक वापस से तिरंगा का सीन शूट किया गया है दिल्ली में, जहाँ पर एक फ्लैग लहरा रहा था। सो गाइस, काफ़ी रॉ एपिसोड था, ऑब्वियसली नो स्टार्स वर देयर। इंडिया गेट पे, जामा मस्जिद पे, उसके सेट फोटोज, यही सब हुआ है आज। लेट्स सी, तो कल वक्त ही पता चलेगा कल भारत की टीम कहाँ पर रवाना हो रही है। अमृतसर इज सम वॉट ऑन द कार्ड्स टू शूट सम एपिसोड। लेट्स सी अब क्या वो सच होता है या नहीं, या फिर डायरेक्टली टीम लंदन चली जाती है। ओके गाइस, आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।